यूपी के बदायूं में बेरहम जेठ द्वारा शराब के नशे में हैवानियत कर दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि घरेलू विवाद के कारण जेठ ने अपने भाई की 7 माह की गर्भवती पत्नी और उसकी 10 साल की बहन की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद आरोपी दोनों जेठ मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेठ और उसके एक भाई की तलाश शुरू कर दी थी। एसएसपी ने आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। दरअसल थाना जरीफ नगर के गांव शेखपुरा में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई थी, जहां बड़े जेठ ने अपने भाई के साथ मिलकर गर्भवती महिला और उसकी छोटी बहन की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी थी। दरअसल घरेलू विवाद में कमल का झगड़ा उसके भाई चंदेल और भगोरी से चल रहा था। देर रात दोनों का झगड़ा हुआ तो इस दौरान बीच बचाव में आई कमल की गर्भवती पत्नी लज्जावती पर चंदेल ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लज्जावती की छोटी बहन मंजू भी उसके साथ रह रही थी, उसने भी जब अपनी बहन का बचाव किया तो उस पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था, जिससे उसकी भी हत्या कर दी गई थी। इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीमें लगाई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बदायूं के जरीफ नगर थाना अंतर्गत शेखपुरा गांव में कल रात्रि 1 बजे के आसपास एक जघन्य दोहरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें 2 व्यक्ति भौरीलाल और देशराज और जंडायल, इन दोनों लोगों ने अपने छोटे भाई की पत्नी तथा उसकी 10 वर्षीय साली को धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद हमारी टीमें इनका पता रसी सुरागसी करते हुए सहसवान और जरीफ नगर थाने के जो कटरी का क्षेत्र था उसमें इनका पीछा करती रहीं, लगातार घेराबंदी की और आज इनको अपहरण कटरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है और इनकी निशानदेही पे आला कत्ल फावड़ा बरामद कर लिया गया है। पूछताछ से इन्होंने बताया कि इनका अपनी अपनी पत्नियों से झगड़ा हुआ था